जरा सोचें, सेना की कितनी बड़ी चुनौती है। एक तरफ वहां पर कश्मीर की सड़कों पर पत्थर फेंकने वाले, तो यहां पर दिल्ली की सड़कों पर राजनीतिक पत्थर फेंकने वाले। इस बीच कांग्रेस में सर्जिकल स्ट्राइक पर अलग अलग बयान आने का दौर जारी है। संजय निरुपम के बयान का कुछ लोग पार्टी में समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं पार्टी नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने उनके बयान से किनारा किया है और कहा है कि निरुपम के पास कोई आइडिया नहीं है, ऐसे स्ट्राइक उनके कार्यकाल में भी हुए थे। संजय निरुपम कांग्रेस पार्टी के नेता है, उनको बिचारे को वो बॉम्बे में बैठ के क्या जितना मालूम है उसके आधार पर क्या कहा है मुझे मालूम नहीं। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी, पार्टी के हर किसी भी आदमी के इस जवाब इसके ऊपर मैं अपने कमेंट नहीं देना चाहता। हम चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रसिद्धि तो सर्जिकल स्ट्राइक की भी हो रही है। लगातार सरकार ने ही ऐलान करवा, मतलब डीजीएमओ ने ऐलान किया, उसके बाद सरकार लगातार वाहवाही लूट रही है। रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमने करके दिखाया, तो ये सर्जिकल स्ट्राइक क्या पहली बार हो रहा है भारत? अब देखिए, आप लोग तो बहुत जानकारी रखने वाले लोग हैं। 1948 में वार हुई, वो वहाँ तक आ गए, पीओके हो गया, आगे नहीं बढ़ सके। उसके बाद 65 की वार होगी, जम्मू एंड कश्मीर में लड़ाई में आ गए, वो वहाँ पर हमने अपनी फौज को पीछे बुला लिया और लाहौर की तरफ जाने के लिए कहा और लाहौर की तरफ पहुँच गए। लाहौर के नज़दीक पहुँचते बराबर लड़ाई बंद हो गई और ताशकंद में करार होकर वो ख़त्म हो गया। बांग्लादेश की वार में क्या हो गया, तो यह कि पहली बार थोड़ा ही हुआ है। और इस चीज़ की तुलना 1948 की जो लड़ाई हुई उससे कर सकते हैं क्या? 1965 की लड़ाई हो गई उससे कर सकते हैं क्या? या 1971 की साथ लड़ाई उसके सर कर सकते हैं? कारगिल के साथ भी तो कर सकते हैं क्या उसके आप तुलना?